दोस्तों, आज हम दो रिफ्लेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहला प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स और दूसरा ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स। जो प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स होता है उसको मिल्क सिक्रीशन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जनरली जो लैक्टेटिंग मदर है उसमें देखा जाता है, दोनों उसी में देखे जाते हैं। उसमें क्या होता है कि जब बेबी निपल को यानी शक करता है तो उस पर बहुत सारी नर्व एंडिंग रहती है, तो उनका स्टिमुलेशन होता है जो कि सीधा एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेशन देती है। एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन करती है जो कि जो निपल की मायो जो सॉरी ब्रेस्ट की मायो इपिथिलियम पे काम करती है और मिल्क का सिक्रीशन होता है। इसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स या मिल्क सिक्रीशन रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है कि मिल्क का सिक्रीशन होता है, इजेक्शन नहीं होता। और जो प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स रहता है ना, नाइट के टाइम अच्छा रहता है क्योंकि प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन नाइट टाइम अच्छा होता है, इसलिए जनरली ब्रेस्ट फीडिंग नाइट को करानी चाहिए, है ना। तो जिससे कि लॉन्ग लास्टिंग के लिए चलता है जो मिल्क का प्रोडक्शन वगैरह। और अब जो दूसरा है मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, या इसको ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी बेबी शक करता है तो जो अराउंड द निपल यानी जो नर्व एंडिंग रहती है वो सीधी जाती है पोस्टियर पिट्यूटरी। पोस्टियर पिट्यूटरी से सिक्रीशन होता है ऑक्सीटोसिन का, और ये ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, मिल्क के इजेक्शन के लिए, मतलब कि निपल से आउट फेंकता है मिल्क। ठीक है, ये दो रिफ्लेक्स हैं। थैंक यू।